ओके सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है थाना माहेश्वरी महिला समिति की तरफ से लॉकडाउन सेशंस में। आज का हमारा 34th सेशन है और आज के हमारे गेस्ट है कोमल आदित्य करवा, जो नासिक से है और उनका परिचय देंगी हेमा जी साबू। तो मैं उनको अनुरोध करूंगी। हेमा जी धन्यवाद धनश्री। हेमा साबू, मैं हेमा साबू थाने माहेश्वरी महिला समिति की तरफ से आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज मुझे आपके समक्ष एडवोकेट श्रीमती कोमल आदित्य करवा जी का परिचय देने में अत्यंत हर्ष हो रहा है। एडवोकेट कोमल जी की मुख्य शैक्षणिक योग्यता बीएससी, एलएलबी, एलएलएम और एमए है। बीएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एलएलबी एवं एलएलएम में आप यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हैं। आप एक कुशल गृहिणी तो हैं ही, साथ में आप कुशल व्यवसायी भी हैं। आप जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गोविंद लाल जी बाहेती की पोती एवं उद्योगपति श्री आदित्य करवा जी की अर्धांगिनी हैं। आप काफी प्रतिभाशाली हैं और आपकी प्रतिभा एक नहीं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, जैसे विज्ञान, स्पोर्ट्स, आर्ट्स इत्यादि में। आपने कई स्पर्धाओं और सम्मेलनों में पुरस्कार एवं उत्कृष्ट सम्मान अर्जित किया है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन सभी का वर्णन तो मैं नहीं कर सकती हूँ, पर प्रमुख को जरूर उजागर करना चाहूंगी। जैसे क्षितिज एंड आर्ट सोसाइटी हरियाणा द्वारा आयोजित ऑल इंडिया लेवल चित्रकला प्रतिस्पर्धा में आपको प्रथम स्थान, अखिल भारतीय विद्यार्थी विज्ञान मेला राज्य शिक्षण मंडल नागपुर द्वारा आयोजित स्पर्धा में प्रथम स्थान, माणिक चंद पहाड़े लॉ कॉलेज औरंगाबाद में 2010 में आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का घोषित किया गया था। बेस्ट 2019 में नासिक में आयोजित वुमेन्स वॉकेथॉन में बेस्ट सोशल मैसेज कैटेगरी में प्रथम स्थान, जिसमें आपका विषय आज के समय के लिए एकदम सही और सटीक था, जो इस प्रकार है, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा यंत्रों का उपयोग हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। आइए इससे बचने के लिए सामूहिक प्रयास करें। आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं श्रीमती कोमल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें संबोधन करें। जय श्री कृष्ण। म्यूट, अनम्यूट। यस, त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी। त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी। थोडा उजेड ज्याला मागावयास गेलो, तो सूर्यही थोडा लाचार पाहिला मी, लाचार पाहिला। थाना माहेश्वरी महिला समिति के नेता जंडा सचिव और जिस मंच को जयप्रकाश जी काबरा, संजय जी मालपानी जैसे कई दिग्गज सुशोभित कर चुके हैं, उस मंच का हिस्सा होने का जिन्होंने मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया, वो मेरी धनु जी जी धनश्री जी भूतड़ा और इस ऑनलाइन वेबिनार सेशन से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव, जानकार, समझदार, संवेदनशील श्रोताओं, भाइयों, बहनों और माताओं, आप सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। आज 23 जून है, जो कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमन इन इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये आज के डे की विशेषता है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के विशेष दिन पर मुझे महिलाओं के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिला है। तो इसलिए मैं थाना माहेश्वरी महिला समिति की बहुत बहुत आभारी हूँ, जो पिछले 35 वर्षों से हमारे समाज के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अविरतता से कार्यरत है। मेरा विषय है प्रसार माध्यम और महिलाएं। बड़ा ही गंभीर विषय है और हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। प्रसार माध्यम और मेरा रिश्ता बड़ा करीब का रहा है। मेरे दादाजी और बड़े बाबा जी पिछले 50 वर्षों से इससे जुड़े हुए थे और आज भी मेरा परिवार प्रसार माध्यमों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मीडिया के बारे में मैं बायस्ड बिल्कुल नहीं हूँ। जो वस्तु स्थिति है वही आपके सामने रखने की मेरी कोशिश रहेगी। जन सामान्यों तक समाचार तथा सूचनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम मतलब प्रसार माध्यम, ये इनकी सीधी सी परिभाषा है। प्रसार माध्यमों की श्रृंखला में सबसे पहले आया प्रिंट मीडिया, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज के युग में एक
इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया टाइप बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है, वो है सोशल मीडिया। प्रसार माध्यमों के भूमिका के बारे में विचार विमर्श करते हुए हमें इनके इतिहास में झांकने की जरूरत है। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है इनका भारत में। भारत में प्रसार माध्यमों की शुरुआत हुई 1780 में, जब द बंगाल गैजेट नाम का एक वृत्त पत्र यहाँ पर छापा गया था। ऑगस्टस हिकी उसके संस्थापक थे। बाद में द हिंदू, मराठा, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, ऐसे कई वृत्त पत्र आए जिन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। भारतीय स्वतंत्रता इस एकमात्र ध्येय से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और जन जागृति का, राष्ट्रीयता का भाव निर्माण करने का महत्वपूर्ण काम इन्होंने प्रामाणिकता से पूर्ण किया। और इन सब का असर ये हुआ कि हमारा भारत अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले जिन प्रसार माध्यमों ने अंग्रेज सरकार खिलाफ काम किया था, अब वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने लगे। भारत सरकार की विविध योजनाओं को, उनके विविध कार्यक्रमों को जन सामान्यों तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम उस वक्त के प्रसार माध्यमों ने किया था। और इसीलिए इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर घोषित कर दिया। हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये तीन घटनात्मक स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के, लेकिन मीडिया ये स्वयं घोषित है, इसका कोई कानून नहीं है। प्रसार माध्यमों के बढ़ते गतिविधियों को हम साधारणता तीन कालखंड में विभाजित कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ स्वतंत्र उत्तर काल के बारे में बात कर रही हूँ। एक 1950 से 70 का काल, जब रेडियो और अखबार यही प्रसार और प्रचार के प्रभावी माध्यम थे। दूसरा 1970 से 90 का दशक, जिस दशक में दूरदर्शन की क्रांति हुई। दूरदर्शन की शुरुआत वैसे हमारे भारत में 15 सितंबर 1959 को हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक मर्यादित थी। आम आदमी तक दूरदर्शन पहुंचते पहुंचते 1985 साल हो गया था। और तीसरा 1990 से लेकर आज तक का कालखंड, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत तेजी से प्रगति की। प्रिंट मीडिया के मुकाबले वो बहुत आगे निकल गया, और पहले जहां टीवी पर एक चैनल दिखाई देता था, वहां आज एक साथ हजारों चैनल्स टीवी पर दिखाई देने लगे। पहले हमारे देश में एक आध गांव में गांव के एक आध व्यक्ति के पास एक टीवी होता था, लेकिन आज 135 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में तकरीबन 70% लोगों के घर टीवी विद डिश कनेक्शन है, और यूं कहूं तो मोबाइल फोन्स के रूप में आज हमारे हाथों में ही टीवी आ गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार आज के घड़ी में भारत में तकरीबन 55 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें 12 से 29 वर्ष आयु के लोगों का प्रमाण 97.4% है। 1990 के बाद प्रसार माध्यमों के नंबर में बढ़ोतरी हुई है, उनके कंटेंट में बदलाव आया है, उनका स्वरूप भी बदला है और उनका उद्देश्य भी। आज भारत में तकरीबन 70,000 से ज्यादा वृत्त पत्र छापे जाते हैं और 1600 से अधिक टीवी चैनल्स है। ये हो गया प्रसार माध्यमों के बारे में। अब देखते हैं कि महिलाओं की क्या परिस्थिति थी हमारे देश में। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इस धारणा को पूजने वाले देश के हम वंशज हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं और एक विश्वास बनते जाता है कि भारत में समाज के उत्कर्ष में महिलाओं की भूमिका हमेशा से ही बड़ी महत्वपूर्ण रही है। फिर वो महिला सावित्रीबाई फुले है, अहिल्याबाई होलकर है, रजिया सुल्तान है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ब्रह्मकुमारी की संस्थापक दादी जानकी है, सुधा मूर्ति, मदर टेरेसा, किरण बेदी, कल्पना चावला, गीता फोगाट, अंजलि भागवत, ये और ऐसे कई अनेक नाम हैं जो हम महिलाओं की प्रतिभा को और उनके कर्तृत्व को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। इंडियन एंशियंट वैदिक हिस्ट्री हमें ऐसे कई गवाह देती है जो हमें ये मानने पर मजबूर कर देती है कि हमारे भारत में महिलाओं को हमेशा से ही बड़ी प्रतिष्ठा से देखा जाता था, सम्मान से रखा जाता था, क्योंकि वो ये डिजर्व करती थी। वैदिक पंडितायन गार्गी का उदाहरण हमारे सामने है, उभय भारती का उदाहरण हमारे सामने है। उभय भारती ये उस वक्त के बहुत ही विद्वान पंडित मंडन मिश्रा की धर्मपत्नी थी। इनके बारे में ऐसे कहा जाता था
कि उभय भारती ये साक्षात सरस्वती का अवतार है। एक दिन जब आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्रा के बीच किसी वैचारिक मुद्दे पर शास्त्रार्थ हुआ, डिबेट हुआ, तब इन दोनों ने अपने शास्त्रार्थ का निर्णायक घोषित करने का काम इस उभय भारती पर सौंपा था। मतलब देखिए क्या बौद्धिक क्षमता रही होगी उस उभय भारती की और क्या मानसिकता रही होगी उस वक्त के समाज की कि दो विद्वान पुरुषों के वैचारिक कंपटीशन के जजिंग के लिए एक महिला को नियुक्त किया जाता था, उसे समाज में स्वीकार किया जाता था, उसका सत्कार किया जाता था। आप देखिए हम हमारे भगवान जी का नाम कैसे लेते हैं। कभी हमने कृष्ण राधा या नारायण लक्ष्मी नहीं कहा, हम हमेशा से कहते आए हैं राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। मतलब हमारे धर्म शास्त्रों ने भी हम महिलाओं को हमेशा से अग्रस्थान दिया है। हम जिस देश में रहते हैं उसको हम संबोधित करते हैं भारत माता, कभी भारत पिता का संबोधन हमने नहीं सुना। भारत के मध्ययुगीन इतिहास के बारे में अगर हम सोचना चाहें तो वहां पे शिवाजी महाराज के साम्राज्य के बारे में बड़े ही गर्व से लिखा जाता है कि शिवाजी महाराज के साम्राज्य में महिलाओं के प्रति इतना सम्मान था कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई छेड़खानी वाली बात सामने आती तो तुरंत उस आरोपी को मृत्युदंड तक की कठोर शिक्षा सुनाई जाती थी, उसका अमल भी उतनी ही तत्परता से होता था ताकि कोई और ऐसी हरकत करने ना पाए। युद्ध में हारे हुए मुगल सैनिकों के घर की महिलाओं को बंदी ना बनाने का हुक्म शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को दे रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कान खींचने के बाद आज भारत सरकार ने महिलाओं को कमबैक लाइन पोजीशन पर आने की अनुमति दी है, लेकिन युद्ध भूमि पर लड़ने की श्रृंखला, महिलाओं की श्रृंखला हमारे पास बहुत पहले से है। हमारे पास मध्ययुगीन इतिहास के बेलवाड़ी की किलेदार सावित्रीबाई देसाई का उल्लेख आता है जो शिवाजी महाराज के सैन्यों के साथ लड़ी थी। उमरखिंड की रायबागी नामक बहादुर महिला का उल्लेख आता है जो शिवाजी महाराज के सैन्यों के खिलाफ लड़ी, पराभूत हुई, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज के सैन्यों द्वारा अपने छावनी तक बहुत ही सुरक्षित और सम्मान के साथ पहुंचाई गई। मतलब देखिए हमारे पास महिलाओं के कर्तृत्व के भी उदाहरण है और उनके प्रति समाज के सम्मानजनक दृष्टिकोण के भी और व्यवहार के भी। आजादी के लड़ाई में देवी दुर्गा बोरा का कर्तृत्व हम जानते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी का काम इन्होंने किया था और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इनके क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने मदद की थी। शी वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिटेक्टिव्स इन द वर्ल्ड। मतलब जासूसी वाला क्षेत्र भी हम महिलाओं के कर्तृत्व से छूटा नहीं था। मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमारे भारत में महिला का कर्तृत्व हमेशा से ही बड़ी प्रतिभाशील रहा था और प्रभावशाली रहा था। आज भी ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं का कर्तृत्व नहीं है, फिर वो शिक्षण का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या फिर युद्ध भूमि हो। आज हमने इस कोरोना वायरस के महामारी के चलते हमने देखा कि लॉकडाउन में हम सभी को अपने ऑफिस से छुट्टी मिल चुकी थी, लेकिन महिलाओं को उनके काम से छुट्टी नहीं मिली थी। जब बाहर के होटल्स बंद थे तो इन्होंने अन्नपूर्णा बनकर हमको इसका एहसास भी नहीं होने दिया। रोज के रूटीन काम से ज्यादा काम होते हुए भी इन्होंने मुस्कुराकर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण की। ये हो गया होम फ्रंट पर, और इन्हीं महिलाओं ने अपने घर परिवार को संभालते हुए समाज में एज अ डॉक्टर, एज अ पुलिस ऑफिसर, आशा, आंगनबाड़ी और सेल्फ हेल्प ग्रुप के वर्कर्स, रिपोर्टर्स, नर्सेस, इन रूप में कोरोना फाइट में अपना अतुलनीय सहभाग दर्शाया। हैट्स ऑफ टू देम। दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर कहलाए जाने वाले अमेरिका में भी आज तक कोई भी महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनी है, लेकिन हमारे भारत में एक महिला राष्ट्रपति भी बनी है और पंथ प्रधान भी बनी है। मतलब हमारे महिलाओं का कर्तृत्व कोई बदलाव नहीं आया है, वो कल भी प्रतिभावान थी, आज भी उतनी ही कर्तृत्ववान और प्रतिभाशाली है। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि गौरवशाली इतिहास वाले प्रसार माध्यमों ने हम प्रतिभावान कर्तृत्ववान महिलाओं को हमारे सामने किस तरीके से प्रेजेंट किया है और आज हमारी परिस्थिति क्या है।
प्रसार माध्यमों के कार्य प्रणाली में मुख्यतः तीन घटकों का समावेश होता है। एक इंफॉर्मेशन देना माने न्यूज, दूसरा एंटरटेनमेंट माने मनोरंजन और तीसरा एडवर्टीजमेंट माने विज्ञापन। 1990 के बाद इनकी बढ़ती संख्या की वजह से और इनके बदलते स्वरूप और उद्देश्य की वजह से इनमें एक तरीके की कंपटीशन शुरू हो गई कि मुझे यहाँ टिकना है, और इस कंपटीशन में टिकने के लिए इन्होंने न जाने कौन कौन से तरीके अपनाना शुरू किया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज के बारे में क्या होता है। प्रसार माध्यम अपने न्यूज में हम महिलाओं को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जरा बारीकी से गौर करना मेरी इस बात पर। प्रसार माध्यम अपने न्यूज में हम महिलाओं को हमेशा से एक पीड़ित, एक अबला, एक दुर्बल की तरह, एक विक्टिम की तरह ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। मान लो हमारे थाना जिले के किसी बहन पर कोई अत्याचार होता है और उस बहन के बारे में अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़ी न्यूज छापी जाती है कि वो अपराध कैसे हुआ, लेकिन उस अत्याचार के खिलाफ आप थाना माहेश्वरी महिला समिति की जैसी कोई संवेदनशील सामाजिक संगठना आवाज उठाती है, उसके खिलाफ आंदोलन करती है, तो इनकी न्यूज उस अखबार के सिटी सप्लीमेंट में छापी जाती है। जो बात प्रिंट मीडिया की है वही बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है। आज भारत में 400 से अधिक टीवी न्यूज चैनल्स हैं जो दिन रात महिलाओं को विक्टिम, एक पीड़ित की तरह दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उनकी न्यूज उनकी कहानियों को और भी ज्यादा मसालेदार बनाकर दिखाते हैं। अगर हम महिलाओं की रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरीज और सक्सेस स्टोरीज ये दिखाने लग जाए या छापने लग जाए ना, तो इनको 24/7 365 डेज भी कम पड़ेंगे। लेकिन बजाय इसके ये हमें क्या दिखाते हैं, वुमन एज अ विक्टिम। एक सर्वेक्षण में ऐसा देखा गया था कि बीजेपी और क्रिकेट के बाद मीडिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाने वाली न्यूज होती है क्राइम अगेंस्ट वुमन। और एक महिला को विक्टिम की तरह दिखाते वक्त अगर वो महिला उन गुंडों के खिलाफ डटकर लड़ी होगी तो इस बात को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हुए बार बार लगातार हमें बस यही बताया जाता है कि अपराध कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ। निर्भया के केस में हमें इन मीडिया वालों ने इतनी बार इतनी डिटेल्स में बताया है कि आज हम सब जानते हैं कि हमारी उस नन्ही सी बच्ची पर किस तरीके से अत्याचार हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कहाँ हुआ, और उसको बाद में सड़क पर किस तरीके से फेंका गया था। लेकिन इस अपराध के आरोपियों को मात्र 24 घंटों के बीच में सलाखों के पीछे डालने वाली आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा के बारे में इन्होंने कभी नहीं लिखा। हम में से कितने लोगों को छाया शर्मा का नाम पता था? हार्डली किसी को होगा, क्योंकि मीडिया ने इसे कभी हाईलाइट किया ही नहीं। हाल ही में हुए हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के केस में मीडिया में किस तरीके से न्यूज रिपोर्ट की गई थी कि पीड़िता और आरोपी पिछले 5 वर्षों से दोस्त हैं, हमेशा एक साथ एक दूसरे के साथ बाहर घूमा करते थे, अपराध हो रहा है ये समझता है तो उस लड़की ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, अपनी बहन को फोन क्यों किया। ये और ऐसी कई सस्पिशियस बातें बता बता कर समाज में कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जाता है कि गलती उस महिला की थी। अरुणिमा सिन्हा जो हमारी भारत की पूर्व नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है, ट्रेन में उनके साथ हादसा हुआ, उनके सोने की गले की चेन खींचते हुए जब वो गुंडों से लड़ रही थी तो गुंडों ने उन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया। बाजू वाली रेल ट्रैक पर चल रही कई ट्रेनों के नीचे आकर वो अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो गई, लेकिन अपनी अगम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास आत्मविश्वास की वजह से इस घटना के मात्र 3 सालों के अंदर वो अपने दोनों आर्टिफिशियल पैरों के साथ विश्व के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अपने भारत का तिरंगा लहरा कर आई। इतनी बहादुर अरुणिमा सिन्हा के बारे में प्रसार माध्यमों ने कैसे न्यूज रिपोर्ट की थी कि उनके पास रेल का टिकट नहीं था, इसीलिए टीसी से बचने के लिए या फिर आत्महत्या के इरादे से वो ट्रेन से कूद गई थी। मतलब महिला का शौर्य बताने की जगह उसे चौर्य माने कि चोर बताने की कोशिश की गई। डिस्गस्टिंग है। दूसरा मुद्दा इन प्रसार माध्यमों के न्यूज देने के बारे में बड़ा प्रखरता से दिखाई देता है कि इनमें एक जेंडर इम्बैलेंस दिखाई जाता है। मान लो अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली अगर सेंचुरी बनाते हैं
तो इनकी न्यूज हर अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइंस बनाकर छापी जाती हैं, हर टीवी न्यूज चैनल पर बड़े बड़े चर्चा सत्र आयोजित किए जाते हैं। लेकिन उस जगह अगर हमारी मिताली राज, स्मृति मानधना या शिफाली वर्मा सेंचुरी बनाते हैं तो इसकी न्यूज कहाँ होती है? अखबार के स्पोर्ट्स के पेज पर। ये जेंडर इम्बैलेंस इनका हर न्यूज में दिखाई देता है। तीसरा मुद्दा इनका समझने जैसा है कि प्रसार माध्यमों ने अपने न्यूज में जो एंकर्स होते हैं, महिला एंकर्स होती है, इनके कस्टमाइज्ड एंकर्स की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना दिया है। मतलब उस महिला एंकर को न्यूज को अच्छी तरह से पढ़ते आने के बजाय इनका सबसे ज्यादा जरूरी होता है गुड लुकिंग होना, गोरा होना, स्ट्रेट बालों का होना, आकर्षक होना। मतलब आप देखिए कि इन मीडिया वालों ने पिछले कई दशकों से किया क्या है कि हम महिलाओं के टैलेंट को प्रेफरेंस देने के बजाय या तो उनके लुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है या फिर नुक्स को, हमें एक डेकोरेटिव आइटम बना के रखा है। जो बिकती है वो खबर, और जितनी चमचमाती खबर उतनी ज्यादा खपत, उतना ज्यादा टीआरपी, उतना ज्यादा मुनाफा, और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए चमचमाती खबरों का सिलसिला चालू है। ये इनका सीधा सा गणित है। ये था न्यूज के बारे में। अब देखते हैं कि इनके एंटरटेनमेंट के सेक्टर में क्या होता है। एंटरटेनमेंट ये प्रसार माध्यमों का एक अविभाज्य घटक है। ये इतना अनअवॉइडेबल है कि आजकल न्यूज चैनल्स दोपहर के वक्त न्यूज दिखाना बंद करके सास बहू और साजिश, बॉलीवुड मैजिक मसाला, ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम दिखाते हैं। हर अखबार अपना एक एंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट छापता है जिसमें कम कपड़ों वाले महिलाओं के चित्र छापे जाते हैं और उनके बारे में गॉसिप्स लिखी जाती है। सानिया मिर्जा टेनिस कितना बेहतरीन खेलती है ये दिखाने के बजाय हमें दिखाया जाता है कि आज के मैच में सानिया ने कौन से कलर का स्कर्ट पहना था, वो कितना लंबा था, कितना छोटा था, सानिया ने कौन से कंपनी के शूज पहने थे, और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी होने के बाद आजकल उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। प्रसार माध्यमों ने सबसे ज्यादा अगर किसी विषय पर काम किया है तो वो है हम महिलाओं को एक कमोडिटी की तरह प्रेजेंट करने का। प्रसार माध्यमों की इंटरटेनमेंट सेक्टर में दिखाने जाने वाली जो महिलाएं होती है और उनकी जो प्रतिभा होती है, ये हमेशा से एक बहस का मुद्दा बनते आई है। ये अपने डेली सोप्स में, सीरियल्स में कैसी महिलाओं को दिखाते हैं जो दिन भर भरपूर मेकअप से लथपथ, प्रेस के कड़क कपड़े पहनकर हॉल में बैठी हुई होती, जो कभी भी घर का कोई काम करते हुए नहीं दिखाई जाती। असल जिंदगी में ऐसे होता है क्या? हम महिलाओं को अपने घर परिवार, अपने बच्चों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, और अगर कोई महिला वर्किंग वुमन है तो उसको अपने ऑफिस का काम अलग से होता है। तो ऐसे व्यस्त रूटीन में कई बार तो ऐसे होता है कि हमें आईने में देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वहां ये प्रसार माध्यम हमें कैसे प्रदर्शित करते हैं कि बस मेकअप करके बैठे रहो दिन भर, कोई काम धाम नहीं है। और दूसरी तरफ फैशन, ग्लैमर, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अंग प्रदर्शन करती हुई, दिन रात षड्यंत्र रचती हुई, निगेटिव माइंडसेट वाली कोमलिका जैसी महिलाओं को ये दिखाते हैं जो कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती, भला नहीं करती। इन सीरियल्स ने हम महिलाओं को दो एक्सट्रीम एंड्स के बीच में पकड़ कर रखा है जो कोई वास्तविक नहीं लगता। हम इतने एक्सट्रीम नहीं होते हैं रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी दिन रात हमको ऐसी ही कैरेक्टर वाली महिलाएं दिखाई जाती है। एक महिला के कितने तो अफेयर्स दिखाए जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई जाती है। पतिव्रता सती सावित्री वाले देश के हम वंशज हैं, जहां पर अपने मृत पति के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आने की शक्ति और अपने उस रिश्ते में आस्था उस सती सावित्री नामक पत्नी में थी। वहां वो हम उस देश में ये प्रसार माध्यम कैसी पत्नियां दिखाते हैं कि अपने पति के छोटे भाई से, मतलब देवर से शादी करने आए इसलिए अपने पति को जहर देकर मारने वाली महिलाओं को ये दिखाते। रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है जब रावण ने मां सीता का हरण कर लिया है और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढ रहे हैं। उस कठिन प्रसंग में भी मां सीता ने अपना प्रसंगावतार दिखाकर विमान से जाते जाते कुछ आभूषण जमीन पर फेंके थे ताकि अगर श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ क्लू मिलता जाए कि माता सीता को किस दिशा में ले जाया गया होगा। और बिल्कुल वैसे ही
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वो सारे आभूषण मिलते हैं। लेकिन दुख और चिंता से शोकाकुल राम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये आभूषण सी? लक्ष्मण ने उसमें से दो पायल उठाते हुए कहा, भैया ये दो पायल भाभी माँ सीता के हैं, मैं ये जानता हूँ क्योंकि रोज उन्हें प्रणाम करते वक्त मैंने इन्हें देखा है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पैरों से ऊपर मैंने भाभी को कभी देखा ही नहीं। क्या रिश्ता था देवर भाभी का और क्या सम्मान था महिलाओं का। उस देश में ये कैसी भाभियां दिखाते हैं, क्या कहती है वो अपनी देवर से, रोहन तुम सोडा लोगे क्या आइस? मुझे नहीं लगता कि आज कोई भाभी अपने देवर से इस तरीके से सच में बात करती होगी, क्योंकि आज भी हमारे समाज में हर रिश्ते की एक सुंदरता है, एक पवित्रता है। तो आज भी हमारे घरों में ऐसा कुछ नहीं होता जो इन प्रसार माध्यमों में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी दिन रात ऐसी ही कैरेक्टर वाली महिलाएं हमें दिखाई जाती हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है कि हम महिलाओं की जो सोशल इमेज थी वो खराब हो गई है, समाज में हमारा स्तर बहुत ही नीचा हो गया है। प्रसार माध्यमों के कार्य प्रणाली में सबसे बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन अगर किसी का हुआ है तो वो हमारा है। प्रामाणिकता से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसी महिलाओं को रोज हम देखेंगे, बार बार देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज किस प्रकार और किस दिशा में अपना उत्कर्ष कर पाएगा। क्या आप चाहोगे आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहू, आपकी बहन या आपकी भाभी असल जिंदगी में अगर इस तरीके से रहने लगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा? नहीं, हमें नहीं अच्छा लगेगा। ये था न्यूज और एंटरटेनमेंट का सेक्टर। आइए अब नजर डालते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या होता है। जो बात एंटरटेनमेंट में है उससे कहीं बुरी परिस्थिति एडवर्टीजमेंट के मामले में दिखाई देती है। एडवर्टीजमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 68.9% विज्ञापनों में महिलाओं को दिखाया जाता है, जिनमें से केवल 13.4% ही विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें महिला उपयोगी कोई वस्तुएं होती है या प्रसाधन होते हैं। अभी आप मुझे एक बात समझाओ कि BMW कार के एड में बाजू वाली सीट पर एक निहायत ही सुंदर और छोटे कपड़े वाले महिला का दिखाना जरूरी होता है क्या? नहीं, फिर भी दिखाया जाता है। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप BMW कार भी खरीद सकते हो और साथ में बिठाने के लिए युवती भी? पुरुषों के अंडरगार्मेंट्स के विज्ञापनों में महिलाओं से किस प्रकार के डायलॉग डिलीवरी करवाई जाती है कि डॉलर का नाम सुनते ही महिलाएं अपने बाल बिखेर कर उस पुरुष के पीछे भागने लग जाती है, दौड़ने लग जाती है। क्या महिलाओं का स्तर इतना नीचे गिर गया है? नहीं, महिलाओं का नहीं, इन प्रसार माध्यमों का स्तर इतना नीचे गिर गया है जो इन इस तरीके की एड बनाकर हम महिलाओं के प्रतिभा को खराब कर रहे हैं। महिलाओं को एक टॉय, एक खिलौने की तरह बना के प्रेजेंट किया जाता है जिसे यूज एंड थ्रो का नियम भी लागू होता है। और आज समाज में हम महिलाओं के प्रति ये भावना बड़ी तेजी से फैल रही है। एडवर्टीजमेंट के मामले में एक और मुद्दा जोड़ने जैसा है कि जिस देश में हमको पड़ोसी से प्यार करने का संस्कार देने वाली संस्कृति रही है, वहां ये प्रसार माध्यम अपनी एड्स में क्या सिखाते हैं? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, माने पड़ोसी की जले जान, खुद घर की बड़े शान। ये एड्स वाले दिन भर ऐसी एड्स दिखा दिखा कर हम महिलाओं के दिमाग में अपनी दूसरी बहन महिला के लिए इतनी ईर्ष्या, इतनी स्पर्धा, इतना द्वेष की भावना भर देते हैं कि दोनों ही महिलाएं एक दूसरे की जान जलाने के चक्कर में रोज नए नए प्रोडक्ट्स खरीद के लाती हैं, उसका बड़ा चढ़ाकर शो ऑफ करती हैं। दोनों एक दूसरे की जान जलाने के चक्कर में अपना घर कब जला देंगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रोज घर का पैसा ऐसे फालतू प्रोडक्ट्स पर खर्च होता है जो इन कंपनियों में जाता है और अल्टीमेटली इन प्रसार माध्यमों में। जब जब प्रसार माध्यमों सारे विषय पर सवाल उठाए गए तो इन्होंने ये कहकर अपने हाथ ऊपर उठा लिए कि दिस इज लाइक अ डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, क्योंकि यही लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए हम यही दिखाते हैं, यही छापते हैं। लेकिन हमारी ऐसी टेस्ट को डेवलप किसने किया है? तो इन्हीं प्रसार माध्यमों ने किया है जो दिन रात केवल अपने मुनाफे से ऊपर किसी भी नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझते, समझना नहीं चाहते। इसीलिए
हम महिलाओं का कर्तृत्व पहले के जितना ही प्रतिभाशाली होते हुए भी समाज में हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण उतना प्रतिभाशाली नहीं है। भारत में जो महिलाओं की दुर्दशा है उसका सबसे बड़ा कारण है इन प्रसार माध्यमों का बाजारीकरण, इनका व्यापारीकरण। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मैंने एक और नाम लिया था, सोशल मीडिया का। इन सोशल मीडिया के एंटरटेनमेंट में दिखाई जाने वाली वेब सीरीज जो बहुत इजीली एक्सेसिबल होती है हमारे मोबाइल्स पर, उनमें दिखाई जाने वाली महिलाओं के ऊपर होने वाले चरित्र हनन के कंटेंट के कार्यक्रम और जितनी वल्गैरिटी दिखाई जाती है, इनके बारे में मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करना चाहती। टिकटॉक जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनमें महिलाओं को बस बेवकूफ दिखाने का काम किया जाता है और हम भी उसे बहुत इंजॉय करते हैं। बाल्कन एक्स नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषा विशेषज्ञ के अनुसार हम इंसानों पर प्रसार माध्यमों का इतना गहरा असर होता है कि हम सब इसका उपभोग लेने वाले इसके अधीन हो जाते हैं और हमें ये समझ में भी नहीं आता। टीवी, रेडियो, वृत्तपत्र, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सिनेमाज, व्हाट्सएप, ये सारे विविध रूप है हमारे प्रसार माध्यमों के। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ नाउ। हम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह सकते। अविभाज्य भाग है ये हमारे, लेकिन हमको इनके ओवर यूज के इफेक्ट्स भी देखना बहुत जरूरी है। दे आर सुपर इन्फ्लुएंशियल एंड इफेक्टिव। अगर हमको मीडिया के इफेक्ट के बारे में और इनकी ताकत का अंदाजा अगर लगाना है तो बस एक ही उदाहरण देना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि बचपन में उन्हें कई बुरी आदतें थी, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना। एक दिन जब वो 7-8 वर्ष के होंगे, अपने पिताजी के साथ राजा हरिश्चंद्र ये नाटक देखने गए थे। नाटक ये उस वक्त के समाज का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसार माध्यम रहा था। तो एक उस राजा हरिश्चंद्र एक नाटक में राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की भूमिका देखकर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि पूरी जिंदगी भर उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया और आखिरी सांस तक वो सत्याग्रही बनकर रहे। एक बार राजा हरिश्चंद्र ये नाटक देखकर मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी हो जाता है। वहां पर आजकल के हमारे बच्चे मान लो 2-3 साल की उम्र से टीवी देखना शुरू करते हैं और उनके घर में अगर उनके मम्मी पापा के पास स्मार्टफोन्स है, डिश कनेक्शन है, तो ये बच्चे अपने उम्र की 16 वर्ष के आयु तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने 63,000 से ज्यादा खून और मारामारी के सीन, 41,000 से ज्यादा महिलाओं के चरित्र हनन करने वाले सीन और 55,000 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के सीन देखे हुए होंगे। तो ये बच्चे आगे जाके अपने जिंदगी में क्या बनेंगे, इसकी कल्पना भी मुझसे नहीं की जाती। ग्लोब्स प्रिंसिपल से हम सब वाकिफ है। एक बात अगर हमें लगातार 20 बार कही जाए तो हमें वो सच लगने लग जाती है। ये मानव शास्त्र का नियम है। वहां पर ये इतने प्रभावशाली प्रसार माध्यम इस तरीके के कार्य प्रणाली में हमारे समाज में किस तरीके का इफेक्ट लेकर आए हैं। एक, क्राइम अगेंस्ट वुमन बढ़ा है, और दूसरा, हमारी भारतीय कुटुंब व्यवस्था नष्ट होती जा रही है। समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये विडंबना है कि भारतीय समाज में जैसे जैसे स्वतंत्रता और आधुनिकता का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव बढ़ा है। समाज में अगर महिलाओं के प्रति एक सम्मान का, प्रतिभा का प्रचार किया जाता, इन प्रसार माध्यमों द्वारा इसे प्रोजेक्ट किया जाता, तो क्या निर्भया और प्रियंका रेड्डी जैसी कई निर्दोष बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ती? नहीं। आज भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, घर हो या बाहर, शहर हो या गांव, सड़क, रिक्शा, बस, ट्रेन, यहां तक कि हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। वहां ना उम्र की सीमा है, ना रिश्तों की, ना हैवानियत। कहां से आती है इतनी हैवानियत समाज में? कौन सिखाता है इनको? जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। हम घर में अपने बच्चों को महिला की रिस्पेक्ट करने ही शिक्षा देते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है।
तो आश्चर्य की बात यह है कि घर में कोई बताता नहीं है, किसी स्कूल के किताब में ये पढ़ाया नहीं जाता, तो फिर ऐसी हैवानियत वाले लोग समाज में आते कहां से? ये और कुछ नहीं, इन प्रसार माध्यमों का इफेक्ट है जो दिन रात महिलाओं के चरित्र हनन करने वाले कंटेंट के कार्यक्रम दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर सेंसिटिव घटनाओं को सेंसेशनल बनाकर छापते हैं और अपने एडवर्टीजमेंट में महिलाओं को एक कमोडिटी, एक वस्तु की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इन प्रसार माध्यमों ने सचमुच अपनी जिम्मेदारी नैतिकता और ईमानदारी से पूरी की होती तो हर साल क्राइम अगेंस्ट वुमन के इतने मामले दर्ज नहीं होते। और भाइयों और बहनों, सच कहूं तो जितने मामले दर्ज होते हैं अपराध उससे कहीं ज्यादा गुना बड़े हैं। ये संख्या बहुत कम आती है पुस्तकों पे। महिलाओं की जो परिस्थिति है, हमने उन्हें सिर्फ किताबों में देवी बनाकर रखा है, ना हमने उसे कभी उस तरीके से पूजा है और ना ही उसकी इस पूजनीय प्रतिभा को प्रसार माध्यमों द्वारा कभी आगे प्रदर्शित किया है, प्रोजेक्ट किया है। माँ दुर्गा की स्थापना करने वाले, उसके सामने वो लड़की आंख मारे, ऐसे ऐसे गाने लगाकर आज के युग के महिषासुर शराब पीकर नाचते हैं और महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो चित्र और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। 2004 में हमारे भारत में अल्पायु महिलाओं पर, बच्चियों पर सामूहिक अत्याचार के कुल 18,233 मामले दर्ज किए गए। ये संख्या 2014 में, मतलब 10 सालों में दुगनी होकर 36,535 हो गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2019 के रीसेंट आंकड़े देखें तो ये बहुत चिंताजनक है, जहां पर साल के पहले 6 महीनों में भारत में पूरे अल्पायु महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में 24,212 मामले दर्ज किए और जिसमें आरोपियों की उम्र मात्र 12 से 18 वर्ष की है। बड़ी ही बिकट परिस्थिति में हमारी बच्चियां बड़ी हो रही है। दुर्भाग्यवश पूरे दुनिया में क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामलों में हमारा भारत सबसे पहले क्रमांक पर आता है, जहां हर 90 सेकंड को किसी महिला पर अत्याचार होता है, हर 15 मिनट में किसी बच्ची को मोलेस्ट किया जाता है, हर 60 मिनट में किसी महिला को रेप जैसे घिनौने कृत्य का सामना करना पड़ता है और हर 70 मिनट को एक महिला कौटुंबिक कलह या सामाजिक कलह में मारी जाती है, जलाई जाती है। बड़ा ही दर्दनाक स्टैटिस्टिक्स है। अगर समय रहते ही इस पर प्रिकॉशनरी और रिमेडियल एक्शंस नहीं लिए गए तो कोई भी माँ बेटी को पैदा नहीं करना चाहेगी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में महिलाओं के सुरक्षा हेतु कोई कानून नहीं है, है एक नहीं कई कानून है और हमेशा नए कानून बनते भी रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा केवल कागज पर है, वास्तविकता में नहीं, क्योंकि महिला भी एक इंसान है। ये मानसिकता इन प्रसार माध्यमों ने समाज से नष्ट कर दी है, इसीलिए पहले की तरह हमारा कर्तृत्व होते हुए भी समाज में आज हमें उतना सम्मान, उतनी प्रतिभा, उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। दूसरा असर इन प्रसार माध्यमों का हमारे ऊपर ऐसा हुआ है कि हमारी भारतीय कुटुंब व्यवस्था नष्ट होती जा रही है। महिलाएं हर घर की धरोहर होती है। इन महिलाओं के बेसिक वैल्यूज को करप्ट करने का काम इन प्रसार माध्यमों ने किया है। आज हर महिला किसी न किसी टीवी सीरियल्स की हीरोइन जैसे बनना चाहती है, मूवी की हीरोइन जैसे बनना चाहती है, मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। अपनी जरूरतें पूरी ना होने पर वो गुनहगारी कृत्य करने में भी पीछे नहीं हट रही। आज हर घर में तनाव है, हर रिश्ते में टेंशन है, डिवोर्स का प्रमाण बढ़ रहा है। हम जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम देखेंगे कि ये कहानी हर दूसरे घर की है। हर महिलाओं के रिश्तों में तनाव है, सास बहू के रिश्ते में तनाव है, माँ बेटी के रिश्ते में अनबन है, बहनों बहनों में टेंशन है, कंपटीशन है, क्लेश है। क्यों? तो यही सब हमें इन प्रसार माध्यमों द्वारा दिखाया जाता है और हम इसे ब्लाइंडली फॉलो भी करती हैं। हर रिश्ता टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, क्योंकि 24 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले हमको
फेसबुक पर दूर दूर के बैठे हुए दोस्तों से बात करने की फुर्सत है, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों के साथ बात करने की हमें बिल्कुल वक्त नहीं है। अजीब जिंदगी के ये मेले हैं, अजीब जिंदगी के ये मेले हैं, दिखती तो भीड़ है लेकिन फिर भी हम अकेले। मुझे मेरे नानी जी दादी जी बताया करते थे कि उनके जमाने में जब महिलाएं सब घर का काम करके फ्री होती थी तो घर के सभी सदस्य सभी महिलाएं मिलकर पारायण करती थी, भजन कीर्तन करती थी। अपना काम हो गया है तो बाजू वाली महिला का काम करने उसको हेल्प करने चली जाती थी। वहां आजकल की हम महिलाएं हम प्रसार माध्यमों के इतने ज्यादा अधीन हो गए हैं कि खुद का काम पूरा हो ना हो हर 10 मिनट में हमको व्हाट्सअप चेक करना जरूरी होता है। जो काम कर रहे हैं उसका सेल्फी हमको फेसबुक पर पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, फिर 15 मिनट के बाद उसको कितने लाइक्स मिले हैं ये चेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहती है ये अगर ना करो ना तो अपडेटेड फील नहीं होता, जो ये नहीं करती उनको हम आउटडेटेड का लेबल लगा देते हैं। तो बेचारी वो महिलाएं भी शर्म के मारे इस शो ऑफ के दुनिया का हिस्सा बन जाती है। हमारे घर की नींव को हम महिलाओं के बेसिक वैल्यूज को बड़ी ही बुरी तरीके से इन प्रसार माध्यमों ने मॉडिफाई कर दिया है। ध्येयवाद की संस्कृति रहने वाले इन प्रसार माध्यमों ने, मतलब जिन पर संस्कृति की रक्षा का भार हमने सौंपा था, वो आज व्यवसायवादी बन गए हैं, संस्कृति के भक्षक बन गए हैं सिर्फ पैसों के लिए, मुनाफे के लिए। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी, थोडा उजेड जाला मागा वयास गेलो तो सूर्य। सूर्य प्रसार माध्यम जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंगारे बरसाने का काम किया था, तो सूर्य ही थोड़ा लाचार पाहिला मी। समाज में पुरुषों लोक संख्या के पुरुषों के बराबरी से अपना अस्तित्व होते हुए समाज में हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा लगाकर अपनी काबिलियत को साबित करते हुए भी हम महिलाओं को हर जगह पे द्वितीय स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन प्रसार माध्यमों ने समाज के प्रति हमारी सोशल इमेज को और हमारी मानसिकता को दोनों को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन परिवर्तन समय की जरूरत है, परिवर्तन हमारे सोच में, प्रसार माध्यमों के कार्यप्रणाली में और हमारे सामाजिक रूप में। आइए इस परिवर्तन की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे, कोई नहीं आएगा, हमें ही करना है। हम अपनी प्रतिभा को खुद ही संभालेंगे, खुद ही सुधारेंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे, कब तक आस लगाओ कि तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, जो स्वयं ही लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। सबसे पहला संकल्प हमको करना है कि हमें अपने आप को इन प्रसार माध्यमों के इफेक्ट से बाहर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रसार माध्यमों ने किसी ने अडॉप्ट किया है तो वो हम महिलाओं ने किया है। हमने इसको सबसे ज्यादा अडॉप्ट भी किया है और इसके अडिक्ट भी हो गए। हमने किस हद तक इसको अडॉप्ट किया है कि सुबह अपने बच्चों को नींद से उठाने से लेकर रात को सुलाने तक हमको इन प्रसार माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। पहले की हमारी माँ नानी दादी हमको करागरे बस्ते लक्ष्मी कहकर जगाया करती थी, लोरी गाकर सुलाया करती थी। वहां आजकल की हम माएं अपने बच्चों को उठ छोटा भीम चालू हो गया है ये कहकर उठाती है और रात को बिग बॉस देखते वक्त खुद भी सोती है और बच्चों को भी सुलाती है। यहाँ तक कि हमको अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी इन प्रसार माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। कहती है YouTube लगा दो तो दो चपाती, कहती है YouTube लगा दो तो दो चपाती फटाफट खा लेते हैं। अच्छा है बच्चों से जल्दी फ्री हो तो हमें भी कसौटी जिंदगी की देखना होता है, और उस वक्त अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आ जाए तो रिएक्शन ऐसा होता है कि मान लो कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि हम कोई एपिसोड मिस नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया पर रहने वाले हमको हमारा टाइम थोड़ा सा कम करना होगा। हम रोज अखबार पढ़ो ना पढ़ो उसका इंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट निकाल कर जरूर पढ़ती हूँ, इंटरेस्टिंग है। हम अगर अपना सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि वही हम बच्चे फॉलो करते हैं,
हम दिन भर टीवी देखेंगे, हम मोबाइल पे टुक टुक करते रहेंगे और बच्चों से कहेंगे आप ये नहीं करो वो नहीं करो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, ना वो नहीं सुनेंगे. बी द चेंज यू वॉन्ट टू बी बिकॉज किड्स फॉलो अवर एक्शंस नॉट वर्ड्स. हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का सिलसिला थोड़ा कम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वक्त हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे. कई बार मैंने देखा है, कई मित्र हैं मेरे, कि अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है या बच्चा बीमार हो जाता है तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने के बजाय उस बीमारी का इलाज हम गूगल पे ढूंढते हैं. मेरे बाबा डॉक्टर है, वो कहते हैं जब तक मरीज ये गूगल का गॉगल केबिन के बाहर छोड़कर नहीं आता तब तक उसका इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है. ऐसे सेल्फ मेडिकेशन और डॉक्टर गूगल की गलत और अधूरी जानकारियों की वजह से कई बार कई हजारों बच्चों ने अपनी जान गंवाई है. ये वस्तु स्थिति है, हमें ये समझना होगा. तो कृपया मेरा आपसे ये निवेदन है कि इन प्रसार माध्यमों के इतने अधीन ना हो जाए कि ये हमारे लिए घातक बन जाए. ये बात हमें समझनी होगी कि ये सारी टेक्नोलॉजीज जो होती है ना वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसे होती है, इसको हम लाइफलाइन ना बनाए, उनको उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना वो डिजर्व करते हैं, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं. दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प हमको करना है कि जब प्रसार माध्यमों में किसी सीरियल्स में महिलाओं के कैरेक्टर के लिए कोई हानिकारक कार्यक्रम दिखाया जाता है तो उस कार्यक्रम पे हम सामूहिक बहिष्कार डालेंगे. हम कुछ भी देखते हैं इसीलिए कुछ भी दिखाते जाते हैं. जब हम देखना बंद करेंगे तो इनका टीआरपी कम होगा, इनका मुनाफा घटेगा, तो ये बराबर वही सीरियल्स बनाएंगे, वही कार्यक्रम छापेंगे बनाएंगे जो हम देखना चाहते हैं. तीसरा काम हमको करना है कि इनके ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की ब्रॉडकास्टिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया को शिकायत करना शुरू करते हैं. होता है, इसका बहुत असर होता है. बीच में एक्स नाम का एक पुरुषों के डीओ का एक एड आता था, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था, महिलाओं के प्रतिभा को हानिकारक था. हम में से ही किसी महिलाओं ने उसकी शिकायत की और आज वो विज्ञापन बंद हो गया है. और चौथा लास्ट संकल्प हमको करना है कि जब तक इन प्रसार माध्यमों का नंगा नाच बंद नहीं होता तब तक हम इनके किसी भी मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली, शीला की जवानी ऐसे घिनौने गानों को ना गाएंगे, ना इस पे थिरकेंगे, ना किसी अपनों को थिरकने देंगे. आप जानते हैं ना ऐसे गानों को क्या कहते हैं, आइटम सॉन्ग्स. क्या हम आइटम हैं? हर बार प्रसार माध्यम हम महिलाओं को एक वस्तु, एक कमोडिटी, एक आइटम की तरह प्रेजेंट करता है. अब इस बात को और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बस, अब और नहीं. इनफ इज इनफ. मैं अपने संकल्प को फिर से एक बार दोहरा देती हूँ संक्षेप में. गलत प्रसारण का हम सामूहिक बहिष्कार करेंगे, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की हम शिकायत करना शुरू कर दें, हमारा अपना खुद का मीडिया टाइम रिस्ट्रिक्टेड करेंगे और अपने बच्चों को इसके अर्ली एक्सपोजर से बचाएंगे. आइए आज हम सब अपने आत्मोन्नति का एक संकल्प करते हैं. तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. हम अपने आत्मोन्नति का संकल्प करते हैं ताकि मीडिया में, प्रसार माध्यमों में एक मैसेज जाए कि जो हमारी असल प्रतिभा है वो समाज के सामने आए, ताकि हम महिलाएं निडर होकर अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी मेहनत अपने आप के उन्नति के लिए, अपने घर परिवार के प्रगति के लिए और समाज तथा देश के प्रगति के लिए लगा सके. और तभी सही मायने में स्त्री सम्मान को समर्पित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल होगा और ये परिवर्तन होगा. आप जैसे ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली और उसे पूरा करने की शर्त रखने वाली जागरूक महिलाओं से मिलकर मेरा ये विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो रहा है. इस पॉजिटिव नोट के साथ, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पड़ाव को ना समझे हम मंजिल, लक्ष्य को ना होने दे आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाए, आओ फिर से दीप जलाए, आओ फिर से दीप जलाए. धन्यवाद. बहुत बढ़िया कोपल, आई एम जस्ट स्पीचलेस. और तेरे जैसा इतना
आई मीन हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं, हम तो सुन सुन के क्या बोलते हैं, कृतार्थ हो गए. सीरियसली आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद दैट. ऑल आर क्लैपिंग. या एक्चुअली इफ यू आर ऑन कैन यू रीड द चैट्स, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं तेरे लिए. यस यस आई एम एबल टू रीड देम. यस या थैंक यू सो मच. एवरीबडी इज प्रेजिंग एंड इट्स रियली नाइस कि तुमको यहाँ बुलाया हमने. एक्चुअली बुआ जी के कारण मुझे भी पता चला एंड उनके थ्रू यू आर हियर. बट आई एम थैंकफुल थैंकफुल टू बुआ जी दैट शी मेंशन्ड योर नेम. यस थैंक यू ऑल ऑफ यू. या थैंक यू आल्या. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क समबडी, आई मीन आस्क हर एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, चैट पे आप डाल सकते हैं. एक कुछ आया है, कोमल जी यू टोल्ड कि कम कि हम ऐसे प्रोग्राम्स को बैन कर सकते हैं. आई नीड टू नो द प्रोसेस. यस देखिए इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हमको रिमोट अपने हाथ में लेना है, टीवी बंद करना है. हम जब इन सारी सीरियल्स को फॉलो नहीं करेंगे अपने आप एक मैसेज, अगर मैंने कोई सीरियल देखना बंद कर दिया है तो मैं इसकी चर्चा जरूर मेरे घर में, परिवार में, मित्रों में करूंगी, उसका कारण भी बताऊंगी. ये एक चेन स्प्रेड आउट होती रहेगी और ऑटोमेटिकली ये सोशल बैनिंग ऐसे सीरियल्स पे हो जाएगा. इसका कोई कानूनन प्रोसीजर नहीं है, ये प्रोसेस हमारे अंदर से आएगा. यस जैसे वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं वैसा होना चाहिए ये कि यस अपने आप अपने को स्टार्ट करना है ये, और वर्ड ऑफ माउथ करे कि ऐसे सब सीरियल्स मत देखो. Yes. या एटलीस्ट या try banning them. Okay, I guess no more queries. Okay, fine. See, already people are supporting you. जरूर हम हमारा समय निर्धारित करेंगे. Thank you. ये मुझे बहुत खुशी होगी और it's like a mission. मतलब ये अगर सारा मैसेज स्प्रेड आउट होता है और हम इसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल हम जैसे है, हमारा कर्तृत्व जैसा है वैसे ही हम देखेंगे. ऐसे नहीं है कि हमारे कर्तृत्व में कोई बदलाव है, हमको वो समाज के सामने लाना है और अपनी स्थिति जो थी वापस टॉप लेवल पर लेकर जानी है. True. Somebody is asking how to minimize kid mobile watching. Yes. It's a big question. I have also gone through this process. जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तो I had tried सबसे पहले मोबाइल या इस सारे मीडिया का यूज ऐसे हुआ था कि वो खाना नहीं खा रहा है तो मैं मोबाइल दिखा के उसको खाना खिला दूँ. But I found later on it is just a temporary solution. ऐसे नहीं होता है, वो खाना नहीं खाता है, हम उसके मुंह में ठूसते जाते हैं. ना खाना खाते वक्त उसका ध्यान खाने में होता है ना हमारा. तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि हम हमारे बच्चों को किसी बुक्स के साथ खाना खिलाए, किसी टॉय के साथ, एक ड्यूअल कम्युनिकेशन के साथ खाना खिलाए. ये खाना खाने के बाद हो गए, टॉयज खेले, उनको नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बगीचे में कोई फूल है वो कैसे खिल रहा है. ये नेचुरल प्रोसेस उनको दिखाते जाएंगे तो टीवी के माध्यम से जो चीजें वो देख रहे हैं वो थोड़ा दूर होते जाएंगे. हमको रिस्ट्रिक्ट इसलिए करना है कि वो बहुत जल्दी अडिक्ट हो जाते हैं इन सारी चीजों को. हम उनसे कम्युनिकेशन करें, बोर्ड गेम्स जो होते हैं, सांप सीढ़ी है, लूडो है, यू मींस मोबाइल पे लूडो नहीं खेलना है, हमको बोर्ड लेकर खेलना है ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके. उनके साथ चैट करेंगे, उनकी एक्चुअली उनको हम टॉकेटिव करें तो उनकी प्रॉब्लम्स हम समझेंगे. होता क्या है कि बच्चे देखते हैं कि करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, तो सब लोग अपना काम होने के बाद टीवी के सामने बैठते हैं तो मुझे दिन भर ही करने के लिए कुछ नहीं तो मैं टीवी या मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ. तो इट्स हार्मफुल. उनको बहुत सारे बुक्स के साथ हम एंगेज कर सकते हैं, एक छोटी छोटी किताबें उनको हम ला के देते और हम पढ़ना लगेंगे तो वो भी पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि बुक्स ला लिए तू पढ़ते बैठ, मैं पढ़ना चालू करूंगी तो मेरे बच्चे मुझे देख के आज नहीं कल नहीं 10 दिन बाद महीने बाद फॉलो करते रहेंगे कि नहीं माँ जब आती है ना काम होने के बाद बुक लेके पढ़ती है तो शायद देखते हैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है तो मुझे भी इसमें देखना चाहिए. तो
इस तरीके से हम बच्चों को मोबाइल के इफेक्ट से दूर रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमको खुद को भी थोड़ा अपने आप पर संयम रखना होगा कि हम अपना मोबाइल टाइम कम करेंगे तो बिल्कुल बच्चे आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे मोबाइल चाहिए, गेम खेलना है, क्यों, तो ये दुनिया हमने ही उनको एक्सपोज करवाई है, उन्हें नहीं पता होता है ये सब। सही बात है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यस करेक्ट राइट। बहुत लोग पूछ रहे तू और भी कोई टॉपिक्स पे बात करती है क्या, आई थिंक हम लोग बाद में जब भी ये सब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो वी विल कॉल यू डाउन इन थाना एक लाइव सेशन के लिए। सो लेट्स सी, थैंक यू। नहीं मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। सवाल ही नहीं बर्दाश्त करने का, आई थिंक सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे तुमको, कहाँ टाइम निकल गया वो भी नहीं पता चला है। मैंने मेरा टाइम लिमिट 40 मिनट का रखा था कि ओवर ना हो जाए, बट आई डोंट नो वो कितना बड़ा हो गया है, आई जस्ट गो ऑन वेंट ऑन स्पीकिंग। बहुत बहुत अच्छा, कोई बोल रहा है एक्चुअली, शी वांट्स टू स्पीक, एक सेकंड। ओके जस्ट अ सेकंड, प्रिया जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसे ज्वाइन तो मैंने काफी सारा पार्ट थोड़ा मिस किया शायद, तो आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन या डाउट है कि जैसे आपने सीरियल्स के बारे में कहा और टीवी या मीडिया बहुत इम्पैक्ट करते हैं सब लोगों के लोगों पर, ये तो सही बात है, लेकिन जो सीरियल्स आजकल बनती है तो वो देखने का जो मतलब ऑडियंस है दे आर मोस्टली लेडीज, ओके, जो आप सास बहू के सीरियल देखते हो, मतलब आप नहीं, सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, नहीं। तो जो okay. तो बनाते हैं, जो उसमें काम करते हैं वो तो महिलाएं हैं ना, तो शुरू कहाँ से होता है, ये मेरा पॉइंट ये है, सिर्फ हम देखना छोड़, मैं तो देखती नहीं हूँ, मेरे घर में टीवी नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे कि ऑडियंस ये महिलाओं का ऑडियंस है, ये एंजॉय करते हैं वो महिला करते हैं और जो काम करते हैं वो भी महिला ही है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मीडिया ने उनको जब ये सवाल पूछे जाते हैं तब जो कहा ना कि इट्स डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी, महिलाओं को यही देखना अच्छा लगता है इसीलिए हम ऐसे ही कार्यक्रम बनाते हैं, दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए एक आध हीरोइन किसी उसके जैसे कोमलिका या और कोई भी टीवी एक्ट्रेस है या मूवी की हीरोइन है फेमस हो जाती है तो एक मैसेज चला जाता है कि नहीं दिस इज ग्लैमरस, हमको भी यहाँ जाना है, तो वो जाने के लिए क्या करना है, वो जाने के बाद हम किस तरीके से खुद को टीवी पर देख पाएंगे, ये जो एक रेस होती है ना उसमें हम फंसते जाते हैं। तो मैंने अगर किसी को फॉलो किया है, किसी हीरोइन को फॉलो किया है, तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई, अगर मेरे पास स्कोप है कि मैं भी उसकी तरह टीवी पर दिखूं तो मैं प्रोसेस शुरू कर देती हूँ, तब मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो मेरी ही दूसरी बहन महिला के लिए कितना हानिकारक है, वो कितना गलत मैसेज समाज में लेके जा रहा है या कितना सही। ऐसे नहीं है कि सारे ही सीरियल्स खराब है, सारे ही महिलाओं के प्रतिभा के लिए हानिकारक है, लेकिन हाँ 92% सीरियल्स ऐसी ही होती है जिसमें महिलाएं काम करती है, उनको सिर्फ फेम और नेम से मतलब होता है, वो ये नहीं देखती, जैसे अब हम देखते हैं कि सिगरेट पे लिखा होता है ना कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो जो पीता है वो भी वो बॉक्स पे पड़ता है, जो बना रहा है वो उस बॉक्स पे लिखता भी है, इट इज लाइक दैट कि उस सीरियल्स में इस तरीके के काम करने वाली महिलाओं को भी पता है कि वो जो काम कर रही है उनको सिर्फ नेम और फेम से लेना देना है, क्यों, तो उन्होंने देखा है कि इस ग्लैमरस लाइफ में बहुत शानो शौकत होती है, ये टेम्पररी है, ये बाद में उनको समझ में आता है, इसीलिए ऐसी सीरियल्स बनती हैं। अगर हम महिलाएं इस बात को समझ लें कि हम दूसरी महिला पे इस तरीके के प्रोग्राम्स से सोशल मैसेज जाके बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है एडवर्सली, तो ये महिलाएं नहीं जाएंगी और ना ही ऐसी सीरियल्स बनेंगी। ऐसे बहुत सारे बड़े एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने महिलाओं के प्रति हानिकारक सीरियल्स में या मूवीज में काम करने के लिए साफ मना कर दिया,
और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो ये हम महिलाओं को ही समझना है कि हमको कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है, किस सीरियल में करना है। और जी या बिल्कुल सही। किसी ने पूछा है न्यूज तो हमें अपडेट करती है तो हम रिपोर्टर को कैसे गलत समझे। जी देखिए, मैंने मेरे इसमें कहा कि रिपोर्टर्स गलत नहीं है, न्यूज देते हैं, अपडेट करते हैं, बिल्कुल। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में पूरी दुनिया भर में क्या चल रहा है ये हमको न्यूज ने ही अपडेटेड रखा था, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि न्यूज वाले अपने प्रदर्शन में हम महिलाओं के प्रति किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, कैसा उनका प्रदर्शन होता है। मैं तो कहूंगी हर स्त्री पुरुष को आपको सुनना, जैसे उन्होंने किसी भी छोटी मोटी घटना को ले लीजिए, उसके उपाय को लेके ज्यादा प्रदर्शित करने के बजाय वो हमको उस प्रॉब्लम को ही रिपीटेडली बताते जाते हैं। तो महिलाओं के प्रदर्शन में उनका रिपोर्टिंग गलत होता है, इस मुद्दे से मैं बात कर रही थी। राइट, मीडिया है, न्यूज है, रिपोर्ट देती है, ऑफकोर्स दे आर अपडेटिंग अस, दैट्स ट्रू, बट महिलाओं के प्रति उनके प्रदर्शन में जेंडर बैलेंस इम्बैलेंस होता है और वो हमको एक कमजोर, एक पीड़ित की तरह ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। ओके, कोबल, पीपल आर आस्किंग फॉर योर फोन नंबर, डू आई हैव द परमिशन टू गिव इट? आई डोंट नो फॉर व्हाट दे नीड, मे बी दे जस्ट वांट टू अप्रिशिएट इट। यस जीजी, नो प्रॉब्लम, यस यस यू कैन। Okay. could you just say your number so that I'll type it out here? Yes. 840-808-4343. Yeah. Yes. Okay. मैंने डाल दिया है. And people are saying, can we all clap for her together? Yes, you can. Why not? So let's do the clapping. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। या आई विल जस्ट इनवाइट किरण राठी फ्रॉम आवर महिला समिति, शी विल गिव यू द वोट ऑफ थैंक्स। किरण, हाँ आ रही आवाज आ रही? रनू दीदी, यस यस आ रही है, बोलो। धन्यवाद रनू दीदी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। कोमल जी, आपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही बड़े ही कोमलता से अपनी भावनाएं व्यक्त की। न्यूज मीडिया वृत्तपत्र की सच्चाई को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको मार्गदर्शित किया। प्रसार माध्यम किस तरह महिला को नीचा दिखाता है, बच्चों को हमें मीडिया से कैसे दूर रखना चाहिए, जबकि असल जिंदगी में नारी के अनेक रूप है, नारी माँ बहन पत्नी अनेक रूप में सुख दुख में वहाँ हमेशा हमारे साथ रहती है। नारी यहाँ शक्ति का रूप है। सलाम है कोमल जी आपको, आपको तो सब बच्चों बूढ़ों ने सबने सुनना चाहिए। थाना माहेश्वरी महिला समिति की ओर से मैं किरण राठी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए शब्द सुमन से आपका धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश, जय श्री कृष्ण। संगीता भाभी, थैंक यू कोमल जी, जस्ट ग्रेट लिसनिंग टू यू, जस्ट रियली स्पीचलेस। And salute to you from my side, from all the Mahila Samiti and all the viewers. Yes, very true. Very true. You deserve a standing ovation, but right now, yeah, it's impossible. Yes, it's extraordinary knowledge and everything. Yeah, superb. And at this age, matlab, you are just so young, and हम लोग इतने बड़े होकर भी तुम्हारे विचार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आई मीन वी शुड हैव थॉट इट ऑफ लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन सच में बहुत अच्छा है। गुड, थैंक यू, एंड कीप अप द गुड वर्क। या देयर, आई थिंक देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस व्हाइल लिसनिंग टू हर स्पीच। यस, सब ने एकदम पूरी, एक जन भी कोई भी लेफ्ट नहीं हुआ ग्रुप से, कुछ भी नहीं हुआ, ऑल वर लिसनिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट, वेरी मच, थैंक्स अ लॉट कोमल। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah, thanks a lot. It's my pleasure. Thanks a lot for you accepting our invitation. Main. Thank you. Thank you so much. Okay. सभी को जय श्री कृष्ण, जय महेश। ये अपना आज का 34th session complete हुआ है।
कल अपना 35th सेशन रहेगा और कल के हमारे वक्ता है सौ संजू जी राठी, भाईंदर से है और इनका टॉपिक है व्यक्तित्व का विकास लिखावट के साथ। व्यक्तित्व का विकास लिखावट के साथ इस विषय पर हमें वो अपने हैंडराइटिंग के बारे में और अपने साइंस, अपने जो साइन करते हैं अपन सिग्नेचर के बारे में कुछ अपने से मार्गदर्शन करेंगे वो। तो सभी के लिए तब तक सबको थैंक यू। और आई थिंक धनुज जी, अंजना हैज रेज्ड हर हैंड। भाभी हाँ ओके। कोमल आई थिंक यू हैव अ क्वेरी। यस। अंजना यस हाँ बोलो। क्वेरी से ज्यादा मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं कोमल जी के बारे में, गदगद हो रही हूँ मैं। शी इज द कॉल ऑफ द आवर एंड एवरी पर्सन ऑफ समाज, एवरी बडी शुड लिसन टू हर। और सचमुच हर महिला, कोमल जी मुझे लगता है आपके लेक्चर में जो एक मार्गदर्शन सबको मिला है वो तो प्रशंसनीय है, लेकिन मैं मेरी सब सहेलियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जो मशीनें हमारे घरों में आई उससे हमारे लिए बहुत टाइम प्रोड्यूस हुआ है। वी हैव प्रोड्यूस लॉट ऑफ टाइम फॉर अस एंड वी आर वेस्टिंग इट इन टू सोशल मीडिया। सो देर आर मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो, हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि टीवी चलाना सबसे आसान है, हम लोग बस एक मिनट में वो चल जाता है इसलिए उसके अधीन होते जा रहे हैं। बागवानी करना, म्यूजिक सीखना, बहुत सारी चीजें हैं जहां हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन योर लेक्चर आई वुड प्लीज एड दीज ऑप्शंस ऑल्सो फॉर वुमेन, जो हम भूल गई हैं। हमको सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया इतना आसान लगता है कि एक बटन खटके से वो चालू हो जाता है, सो वी आर हैप्पी, बट देर आर मेनी अदर कंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस ऑल्सो फॉर वुमेन। प्लीज एनहांस आवर इंटेलेक्ट विद दीज वर्ड्स ऑल्सो। I'm so much thankful to you, madam. So much. A big salute to you from Maheshwari Samiti. A big salute to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I will surely add on this point. Thank you so much. Yes. Thanks for inviting me. Thank you, Mahila Samiti ka bahut dhanyawad. Sabka bahut dhanyawad. Thank you, Anjana. Okay. Thank you. So we end the session. Yeah, we'll end the session. तब तक सबके लिए, कल के लिए तब तक जय महेश, जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण। कल फिर मिलते हैं 4 बजे रोज के टाइम पे। तब तक के लिए बाय सभी को। बाय 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 कोमल। बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। या